हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 10 बज गए हैं। काम मेरा सारा हो गया है सुबह सुबह का, बस खाना बनाना बाकी है। और खाने की अभी मैंने तैयारी भी शुरू नहीं की है। आज गर्मी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। और बारिश के मौसम में होता है, बारिश होती है तो एक बार ठंड होती है और उसके बाद डबल गर्मी हो जाती है। और आज मैंने ली है एक डबल बेड की चद्दर। मेरे पास एक ये चद्दर है, एक चद्दर और रखी तो है पर वो थोड़ी सी मोटी ज्यादा है, इसलिए मैं वो बिछाती नहीं हूँ, यही बिछाती हूँ। गर्मियों में वो गर्म बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए आज मैंने एक चद्दर खरीद ली है। अभी आप सबको दिखा देती हूँ और मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा शॉपिंग करती नहीं हूँ, खरीदती नहीं हूँ कोई भी सामान। अभी बस हमने घर बनाया है और सामान हमारे घर पर बहुत कम है, तो धीरे धीरे करके सामान इकट्ठा होगा। तो ये देखिए, ये तो है तकिए की कवर। बस दो तीन ही चद्दर थी, इतने ज्यादा डिजाइन नहीं थे, पर मैं कई दिन से सोच रही थी तो फिर मैंने ये ले ही ली। ये देखिए, और ये कवर के ऊपर लगी हुई है चैन, और ये चद्दर है। मैंने एक बार अभी खोल कर देखी थी, चेक तो कर लेते हैं एक बार, बाद में अच्छी तरह से आप सबको बेड के ऊपर बिछा कर दिखाऊंगी। आज रितिका तो चली गई है स्कूल, तो बस मैं हूँ अकेली। रितिका रहती है तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती मुझे। ये देखिए, कुछ ऐसा सा डिजाइन है। तो चलिए अभी खाने की तैयारी करते हैं। और खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ भुने हुए आलू की चटनी और हाथ की रोटियां बनाऊंगी, वो भी तंदूरी स्टाइल। हाथ की रोटियां तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ, आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं आटा गूंथ कर रख दूंगी। रोटियां चाहे हमें हाथ की बनानी हो या चकला बेलन की बनानी, आटा हम पहले गूंथ कर रख देते हैं तो बड़ी अच्छी बनती है। और अगर आपको हाथ की रोटियां बनानी है तो आप कम से कम 15 मिनट के लिए तो आटे को जरूर रखिए, फिर एकदम परफेक्ट रोटियां बनती हैं। तो अभी आटा मैंने छान कर छोड़ दिया और गूंथूंगी बाद में, पहले मैं ये आलू आरम दबा कर छोड़ देते हैं। सुबह चाट रखी थी मैंने, तो अभी चाट बनकर तैयार हो गई है। और ज़्यादा आँच में अगर हम आलू दबा देते हैं तो जल जाते हैं, बुनकर तैयार नहीं होते हैं, थोड़ी सी कम आँच होनी चाहिए। ये देखिए, आँच लगभग बुझ सी गई है। और इसमें जो हमारे यहाँ तो गोबर बोलते हैं, तो इसमें कम आँच में ज़्यादा अच्छी तरह से आलू हमारे बुनकर तैयार होते हैं। तो अभी आलू दबाने के बाद अभी मैं आटा गूंथ कर रख देती हूँ और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथूंगी मैं, क्योंकि मैं हमेशा नरम आटा गूंथती हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा ही नरम गूंथ लेती हूँ। और गर्मियों में कुछ देर रख कर छोड़ देते हैं तो फिर आटा नरम हो जाता है, इसीलिए। अब वैसे तो आटा हम हर रोज़ गूंथते हैं तो आटा गूंथना कोई नई बात नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि हाथ की रोटियाँ बनाने वाली हूँ मैं, तो आप सब बोलेंगे कि दीदी आपने बताया नहीं। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल नरम आटा गूंथा है और अभी इस पर थोड़ा सा घी लगा कर छोड़ देते हैं। चकला बेलन की रोटियां बनाते हैं तो घी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और हाथ की रोटियां अगर आपको बनानी है थोड़ा सा घी लगा कर छोड़ दीजिए, आटा हमारा अपने आप इतनी अच्छी तरह से सेट हो जाता है। और फिर इसके ऊपर वो पपड़ी भी नहीं आती है, नहीं तो हम आटा रख कर छोड़ देते हैं तो पपड़ी आ जाती है, चिकनाई लगाने से पपड़ी नहीं आती है बिल्कुल भी। तो अभी मैं चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रखूँगी दूध गर्म। वैसे दूध मैं हर रोज़ आरम गर्म रखती हूँ, पर आज आरम मैंने आलू दबा कर छोड़ दी है, तो मैंने सोचा कि कहीं दूध फट ना जाए तो चूल्हे पर गरम कर लेती हूँ। और हमें तंदूरी स्टाइल रोटियाँ बनानी हैं तो उसके लिए भी आँच चाहिए होगी, तो हमारी आँच भी तैयार हो जाएगी। आज मैंने सब्ज़ी तो बनाई नहीं है, नहीं तो सब्ज़ी बनाते टाइम आँच तैयार हो जाती है।
चूल्हे में अच्छी तरह से हमारी आग तैयार हो जाती है तभी रोटियां अच्छी तरह से सिक कर तैयार होती हैं। हाथ की रोटियां बनाते हैं तो भी आँच थोड़ी सी ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो अभी चूल्हा मैंने जला दिया है और अभी मैं जाऊँगी अंदर। आज मैं बनाने वाली हूँ रायता, और रायता मैं बनाऊँगी बूंदी का ही। मुझे बूंदी का रायता सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए मैंने एक कटोरी दही ले ली, बिल्कुल थोड़ी सी तो बचा ली है, और बाकी की अभी हल्की सी मिक्सी में घुमा लेते हैं। और तंदूरी स्टाइल रोटियों के साथ दही का रायता ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं लगभग कभी भी दही का रायता नहीं बनाती हूँ, हमेशा लस्सी का बनाती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि दही का बनाते हैं क्योंकि दही के रायते का अलग ही टेस्ट होता है। तो अभी मैंने दही ले ली हो और अभी इसमें मैं 1.5 मग्गा लस्सी डाल दूँगी। लस्सी तो ज़रूर मिक्स करूँगी मैं, क्योंकि दही दही का बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी, और भुना हुआ जीरा और बूंदी, और बूंदी का जो हम पैकेट लेकर आते हैं उसमें एक छोटी सा पैकेट होता है, उसमें जो मसाला आता है वो डाल दिया मैंने। इस मसाले को डालने से ही रायते का टेस्ट डबल हो जाता है। तो अभी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके ढककर छोड़ दूँगी मैं, और अभी इसमें मैं लगाऊँगी तड़का, छूक बोलते हैं वैसे हमारे यहाँ। तो अभी मैं छूक लगाऊंगी, और रायते में डूंगार लगाना मैं भूल गई थी, बाद में याद आया मुझे। और तड़का मैं लगाने वाली हूँ सरसों के तेल का ही, घी का नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि दही का रायता बनाने वाले हैं, दही वैसे ही बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। और हम दूध गर्म रखते हैं तो एकदम ऐसी लाल और चिकनी दही होती है। तो अभी तेल मेरा गर्म हो गया था तो मैंने लहसुन डाल दिया है, 2 हरी मिर्च कट की थी वो डाल दी हैं, जीरा डाल दिया, और 2 चुटकी हींग की डाली है मैंने। और अभी इन्हें हल्के से भून लेते हैं। तो ये देखिए अभी छूक हमारा तैयार हो गया है। तो अभी इसको मैं लस्सी में डालकर 4-5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूँगी मैं। तो अभी रायता तो हमारा हो गया है तैयार। रायता मैं उठाकर रख देती हूँ फ्रिज में, और अभी वापस चलते हैं रसोई में। तो चलिए अभी देख लेते हैं, आलू हमारे भुन गए हैं, और भुन गए होंगे क्योंकि आराम आँच थोड़ी सी अच्छी होती है तो जल्दी बन जाते हैं। चूल्हे में भूनते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये देखिए आलू मेरे भूनकर तैयार हो गए हैं, जले नहीं हैं बिल्कुल भी। थोड़े बहुत तो हम आराम दबाते हैं, चूल्हे में दबाते हैं तो थोड़े बहुत तो जले जाते हैं, पर ये जो बिल्कुल गरम गरम राख होती है उसमें दबाकर छोड़ते हैं तो बड़े अच्छे बुनकर तैयार होते हैं। और अभी आरा लगाकर आराम में रख देती हूँ दूध, और चूल्हे पर रखूँगी अभी कढ़ाई रोटियाँ बनाने के लिए। दूध तो मैं हमेशा आराम में ही गरम रखती हूँ, चाहे थोड़ा सा हो। अभी हमारे यहाँ बिल्कुल थोड़ा दूध होता है, क्योंकि आराम हम दूध गर्म रखते हैं तो शाम तक थोड़ा सा लाल हो जाता है, और वो दही और लस्सी खाने में बहुत अच्छी लगती है। और सबसे मेन बात होती है कि घी अच्छा आता है अगर हम आराम में दूध गर्म करते हैं, और चूल्हे पर हम दूध गर्म करके रख देते हैं तो उसमें इतनी अच्छी तरह से घी नहीं आता है। तो अभी मैं आलू मेरे हल्के से ठंडे हो गए हैं, ज़्यादा ठंडे करने का तो मेरे पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ खाना बनाने में। सुबह सुबह चादर खरीदने लगे, और आप सबको पता है कि हम इकट्ठे हो जाते हैं गांव में, कोई भी फेरी वाला आता है तो सभी लेडीज आसपास की इकट्ठी हो जाती हैं, तो 1 घंटा तो आराम से लग जाता है। तो 1 घंटे के लगभग लग गया था, हमें भी खरीदी तो हमने बस एक चादर थी और किसी ने कुछ नहीं खरीदा, पर बातें करते करते 1 घंटा लग गया था। तो अभी आलू मैंने छील लिए हैं, और अभी मैंने ये 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, ये मैं अलग रखती हूँ कूट कर चटनी बनाने के लिए, और ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। चटनी की मैं हमेशा से अलग ही मिर्च रखती हूँ, इन्हें सुखा कर कूट कर रख लेती हूँ। तो आज मैंने चटनी में डालने के लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, सब्ज़ी में भी नहीं डालती हूँ मैं इतना लहसुन, सब्ज़ी में मैं कम डालती हूँ, पर चटनी में थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि चटनी में लहसुन का टेस्ट अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी चटनी हमारी खाने में अच्छी लगती है। तो अभी लहसुन मैंने डाल दिया है, लहसुन को मिक्स करके अभी इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, और इस चटनी में कुछ भी नहीं डालते हैं, और उसके बाद फिर आलू मिक्स कर देंगे। और आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, कभी कभी बनाती हूँ मैं तड़का लगाकर भी, आज तो मैंने ऐसे ही बनाई थी। और तड़का हमारे यहाँ लगाते हैं हम देसी घी का ही, आलू की चटनी बनाते हैं या और किसी चीज़ की चटनी बनाते हैं, सिंपल सी जो मैं दही की चटनी बनाती हूँ उसमें भी हम तड़का लगाते हैं, तो देसी घी का ही तड़का लगाते हैं।
तेल का तड़का नहीं लगाते हैं चटनी में। आप इस चटनी को भी अगर छूकना चाहें, छूक भी बोल देते हैं और तड़का भी बोल देते हैं, तो देसी घी में ही छूकें, ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो अभी आलू मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं और अभी चटनी हमारी बनकर हो गई है तैयार। और आलू थोड़े से मोटे मोटे ही रखते हैं मैं, इसीलिए सिलबट्टे पर पीसती नहीं हूँ, इन्हें हाथ से ही मिक्स करती हूँ। तो ये देखिए चटनी अभी हमारी हो गई है बनकर तैयार। अभी मैं सिलबट्टे को धोकर खड़ा करके छोड़ दूँगी। कहीं कहीं ये भी मानते हैं कि सिलबट्टे को खड़ा कर नहीं छोड़ते हैं, पर हमारे यहाँ मैं हमेशा सिलबट्टे को धोकर खड़ा करके छोड़ देती हूँ। वो तो हर जगह की अलग अलग मान्यता होती है, कहीं किसी चीज़ को शुभ मानते हैं, कहीं किसी चीज़ को शुभ मानते हैं। और कढ़ाई में जो हम रोटियां बनाते हैं तंदूरी स्टाइल, तो वो हमेशा हाथ की ही बनती हैं। चकला बेलन की जो रोटियां बनाते हैं वो फिर तंदूरी स्टाइल कहाँ से हुई, क्योंकि तंदूर में तो रोटियां हम बनाते हैं तो वो हाथ की ही बनती हैं, चकला बेलन की नहीं बनती हैं। मैंने तो बचपन में मेरी मम्मी को देखा, मेरी मम्मी बनाती थी कभी कभी तंदूर पर रोटी। पहले हमारे यहाँ पर तंदूर होता था, बचपन में खाई थी, उसके बाद तो कभी खाई नहीं। आज मैं और मेरी मम्मी तो पानी का हाथ लगा कर बनाती थी, पर आज मैंने तो घी लगा कर बनाई है। वो तो आप सबको मैंने कई बार बता दिया है, पर घी लगा कर बनाते हैं या पानी लगा कर बनाते हैं इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। चकला बेलन के बनाते हैं और रात के बनाते हैं उसमें ज़्यादा फ़र्क होता है। अभी मेरी एक साइड से सीख गई है और अभी दूसरी साइड से और सेक लेते हैं अच्छी तरह से। और झटपट बनकर तैयार हो गई थी। हाथ की रोटियां बनती तो वैसे थोड़ा सा जल्दी ही है, इसीलिए मैं हाथ की रोटियां ज़्यादा बनाती हूँ, थोड़ी सी मोटी मोटी बना लेते हैं। और ये जो तंदूरी स्टाइल रोटियां हैं ये तो थोड़ी सी मोटी ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पतले पतले रोटियां अच्छी नहीं लगती खाने में। और थोड़ी सी ज़्यादा सेक लेते हैं। तो ये देखिए मैंने तो एकदम करारी करारी रोटियां बनाई हैं। तो अभी खाना मैंने बना लिया है और अभी सबसे पहले मैं रितिका के पापा के लिए थाली लगा देती हूँ। और आज मैंने एकदम देसी स्टाइल ब्रेकफास्ट तैयार किया है। तंदूरी स्टाइल रोटियां हैं, भुने हुए आलू की चटनी है और बूंदी का रायता है और हरी मिर्च और गाजर का अचार है। हरी मिर्च का अचार जो मैंने 4-5 दिन पहले बनाया था बनकर तैयार हो गया है। ये सब बनाने में मुझे थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ी, पर कभी कभी हम खाने में कुछ अलग बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। हर रोज़ वही रोटी सब्जी चलता रहता है तो थोड़े से बोर हो जाते हैं। तो आज का खाना बहुत अच्छा बना था, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। थाली मैंने अभी लगा दी है और मैं घी थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ, कहीं आप सब सोचें कि दीदी घी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो चलिए अभी खाना खाने के बाद मिलते हैं। अभी लगभग 12:30 बज गए हैं और काम मेरा सारा हो गया है, तो अभी मैं करूँगी कुछ देर आराम। और आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का मेरा खाना कैसा लगा आप सबको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।